टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मनासबल झील गेंदरबॉल के मकाम पर एक सकाफती मेले का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने किया था। इस फेस्टिवल का मकसद इलाके में टूरिज्म को फरोग देना था। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसबल जो हमारा एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है और इसको प्रमोट करने के लिए हमने जो है एक प्लानिंग करी है, जिसमें आज आपने देखा एक वन डे फेस्टिवल हमने किया, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स इवेंट हमने करे हैं और यहाँ पे जो है साइकिलिंग की रेस कराई, पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराया। हाँ, आज जो टूरिज़्म ने यहाँ पे एक फेस्टिवल इनका किया है, इससे आपको पता है कि टूरिज़्म को एक बूस्ट मिलेगा। जैसे कि बाहर से आए हुए टूरिस्ट्स हैं, उनको भी पता चले कि मानसबल लेक जो है वहाँ पे, यहाँ पर पहले से ज़्यादा टूरिस्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल का इनका हुआ है आज, तो बहुत से ऐसे टूरिस्ट्स यहाँ देखने को मिले हैं। ये बहुत बढ़िया है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। ऐसे ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए था। हाँ, टूरिस्ट के लिए भी होने चाहिए, लोकल तो है ही जो है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट के इलाके फतेहपुरा में कश्मीरी पंडितों के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंगों की तामीर का काम तेजी से जारी है। इब्तदाई मरहले में 320 खानदानों के लिए अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। जो हमारा ट्रांजिट कैंप बन रहा है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, जो गुतिया रोड पे बन रहा है, और उस पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने तेज़ी से
काम करने का हुक्म भी दिया है, तो बीच बीच में हम वहाँ विजिट करने जाते हैं और इंशाल्लाह ताला रहमान वो जल्द से जल्द तैयार होगा हमारे पंडित भाइयों के लिए। भी हमें फ्लैट बना रहे हैं यहाँ पे फॉर माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमें बनाने हैं वो हमें 20 नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने हैं। ईच ब्लॉक 4 स्टोरीड है जिसमें हमारी कम से कम 16 फैमिलीज अकोमोडेट हो जाएगी, तो इसमें से हमें 20 ब्लॉकों में हमें 320 फैमिली अकोमोडेट हो जाएगी। आउट ऑफ 20 हमारी 18 ब्लॉक्स पर अभी काम चल रहा है जो कम से कम ट्रस्ट लेवल पर तक पहुँचा है, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 है वो एक्चुअली फाउंडेशन लेवल पर चल रही है अभी। कश्मीर की एक रिवायत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो सब मिलजुल के रहे। उसी कड़ी में आपको मालूम है कि बारामुल्ला में भी एक माइग्रेंट कॉलोनी जो बन रही है अभी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज डेवलपमेंट देख रहे हैं आप कश्मीरी पंडित्स को अपने घर अपने वतन वापस लाने की जो कड़ी गवर्नमेंट की तरफ से है, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने जो कदम उठाए हैं उनको एक कॉलोनीज़ में तब्दील करना या कोई चीज़, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में आए। वारवान ओवरलैंड एक्सपीडिशन 2022 तकरीब की परचम कुशाई श्रीनगर में हुई। इस तकरीब में 2 दर्जन से जायद कारों और उनके मालिकान ने हिस्सा लिया। इलाके के लोगों का कहना था कि इस इवेंट से एडवेंचर टूरिज्म को फरोग मिलेगा। इस इवेंट की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आम टूरिस्ट को अगर पता चल जाए तो सारा काम छोड़ के इसी पे आ जाएगा, क्योंकि ये ऑफ रोडर्स जो हैं एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स, ये आपको उन एरियाज़ की तरफ ले जाते हैं जैसे पिछले दिनों ये शायद लद्दाख की तरफ गए थे, तो अभी आज वाड़वन की तरफ गए थे, गुरेज भी जा रहे हैं, किश्तवाड़ जा रहे हैं, तो रूट ऐसा है कि आम इंसान उन एरियाज़ में नहीं जाता है। स
अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स. ये पिछले 7-8 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ जब 2008-09 में रेड द हिमालय, जो एशिया का सबसे टफेस्ट इवेंट था, उसमें ये महिंद्रा की तरफ से आते थे. इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ने भारत की 75 साल आजादी को मनाते हुए लद्दाख में 12,000 फुट के मुकाम पर भारतीय झंडे को लहराया. उन्होंने आवाम से भी अपील की कि इस बरस 13 से 15 अगस्त के दौरान इलाके के तमाम घरों में तिरंगे को लहराया जाए. श्रीनगर में भारत की कारगिल फतह को मनाने की गर्ज से एक रैली का एहतमाम हुआ, जिसको शिराज मलिक ने ऑर्गेनाइज किया था. इस रैली का मकसद कारगिल जंग के शहीदों को भी खराज तहसीन पेश करना था. इस रैली का फीता श्रीनगर के मेयर जुनैद आजम मोटू ने काटा. ये रैली गुपकार रोड पर डल लेक के साथ साथ चली. का पर्पस विजय दिवस है. हम ये विजय दिवस पे कर रहे हैं ताकि हम उन शहीदों को आज याद करें जिन्होंने हमारे देश के लिए जो है कुर्बानियां दी है. तो ये उनका एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से. ये जो बाइक रैली हम द्रास के लिए वॉर मेमोरियल आज जा रहे हैं. वेल, एज अ सिविलियन आई थिंक ये मौका किसी को भी गंवाना तो नहीं चाहिए. एंड मेरे लिए ये एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है. मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस राइड. हम तो इस पार्ट ऑफ वार थे उस टाइम, तो ये बिल्कुल मेरे साथी थे पूरे. हम दो पोस्टमर बटालिक सेक्टर में हमने कब्जा किया है, विजय जी हासिल किए हैं. तो उसके बीच में जो हमें ये मौका मिला था, हमें बहुत खुशी है, बहुत प्राउड हो रहा है. और हम उन साथियों को अभी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जो हमसे उस टाइम बिछड़ गए हैं, तो हमें बहुत प्राउड हो रहा है.
आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।